अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, थ्री क्लास, हैव यू कंप्लीटेड योर प्रीवियस वर्क? ओके, वेरी गुड. थ्री क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज फिश एंड फ्रॉग. थ्री क्लास, देयर आर सम सिमिलैरिटीज बिटवीन फिश एंड फ्रॉग. विच वन इज दैट दे बिलोंग टू अ ग्रुप दैट इज वर्टिब्रेट एंड बोथ लिव इन वाटर. But there are some differences between fish and frog. Let's see what are the differences. Write down date and day. Comparing fish and frog. Fish or frog ka comparison. First hai fish. Parts of a fish. Fish ke parts ko. Observe a fish. Agar hum iski picture ko dekhein three class, to hume bahut sari cheeze nazar aati hain. Ye hai iski tail. Ye scales. फिन्स, गिल कवर. ठीक है, यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ द बॉडी ऑफ अ फिश कवर्ड, कि फिश की बॉडी जो है वो किस चीज़ से कवर होती है. ये वाली क्या चीज़ है जो उसकी फुली बॉडी पे, जो फुली बॉडी को कवर किया है. ठीक है, यहाँ पर आप वर्ड लिखेंगे स्केल्स. ये स्केल्स हैं जो उसकी पूरी बॉडी पे हैं. हाउ डज बॉडी, सॉरी, व्हाट बॉडी पार्ट डज अ फिश हैव, यानी उसके पार्ट्स आपने बताने कौन कौन से हैं. थ्री क्लास, ये है गिल कवर, फिन्स हैं, टेल है, स्केल्स है. ठीक है, उसके बाद है व्हाट, हाउ डज अ फिश मूव, जो फिश है ये कैसे मूव करती है. ठीक है, यहाँ पर आप इसका आंसर लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ फिन्स एंड टेल, यानी फिश मूव करती है फिन्स के साथ और टेल के साथ. ठीक है, आगे हाउ डस अ फिश ब्रीथ, जो फिश है ये कैसे सांस लेती है. ठीक है, विद गिल्स, विद द हेल्प ऑफ गिल्स या विद गिल्स. ठीक है, नेक्स्ट है यही, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं यहाँ पर आगे नेक्स्ट उनकी डिटेल दी गई है. द बॉडीज ऑफ मोस्ट फिश आर कवर्ड विद स्केल्स फॉर प्रोटेक्शन. ठीक है, क्या चीज़ है जो बॉडी, सॉरी, फिश के बॉडी के ऊपर होते हैं और वो उसको प्रोटेक्ट करती है, वो है स्केल्स. ठीक है, ये जो स्केल्स हैं ये इसको दूसरे एनिमल से, सी एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आगे है, आगे थ्री क्लास, ये जो गिल्स हैं, ये एक फिश आपको दिखाई गई है और इसकी गिल्स को फुली दिखाया गया, ये है फिश स्केल्स. ठीक है, नेक्स्ट है ये फिश है, ये इसका गिल है और नीचे इसका गिल कवर है. ठीक है, फिश लिव इन वाटर, फिश जो है वाटर के अंदर रहती है. द गिल्स हेल्प देम टू ब्रीथ बाय टेकिंग इन एयर फ्रॉम द वाटर. ठीक है, अब क्या है, ये जो फिश है ये वाटर के अंदर से एयर लेती है और खुद सांस ले पाती है. ठीक है, यानी जैसे थ्री क्लास, हम लोग अक्सर लोग स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन अपनी साथ लेके जाते हैं, लेकिन फिश क्या है, फिश अपनी ऑक्सीजन वाटर से लेती हैं. उससे नेक्स्ट है थ्री क्लास, द फिन्स एंड टेल्स हेल्प देम टू स्विम इन वाटर. अब फिश की फिन और उसकी जो टेल है ये हेल्प करती है उसकी वाटर में स्विमिंग के लिए. ये देखिएगा थ्री क्लास, नेक्स्ट है ये फिन्स हैं इसके और ये इसकी टेल है. ठीक है, आगे नेक्स्ट इस पर लिखा हुआ है स्टीम लाइन बॉडी शेप. ठीक है, ये स्टीम लाइन बॉडी शेप होती है ये वाली. ठीक है, ये थ्री क्लास, अगर आपको मैं पीछे वाली पिक्चर्स भी शो कराऊं, जैसे ये है, ये सभी फिश की बॉडी जो है स्टीम लाइन ही होती है. ठीक है, एक पिक्चर, दूसरी ये वाली फिश, ये देखिएगा सेम, थर्ड वन दिस एंड देन दिस. ठीक है, बॉडी शेप सभी फिश की सेम होती है. मोस्ट फिश हैव स्टीम लाइन बॉडी, ज़्यादातर फिश की स्टीम लाइन बॉडी होती है. अ स्टीम लाइन बॉडी हैज़ अ वेल राउंडेड फ्रंट, दिस इज वेल राउंडेड फ्रंट विद अ बॉडी स्लोली कर्विंग टू अ नैरो एंड, यानी एंड तक जब तक आती है थोड़ी सी नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है या स्लिम हो जाती है यहाँ पे उसकी शेप. ठीक है,
slowly curving to a narrow end. This body shape helps a fish move faster. यानी जो स्टीम लाइन बॉडी है इसकी वजह से ये पानी के अंदर जल्दी से मूव करती है एंड मोर स्मूथली इन वाटर और बहुत ही स्मूथली, ऐसे नहीं है कि गिर रही है कुछ भी, बहुत स्मूथली ठीक है एक ही तरीके से मूव कर रही होती है. नेक्स्ट पेज टर्न करें 46. ठीक है फ्री क्लास, यहाँ पर देर आर टू स्टूडेंट्स हु आर टॉकिंग टू ईच अदर. फर्स्ट वन इज टॉकिंग, लेट मी टेस्ट यू. शी इज आस्किंग टू अ बॉय दैट लेट मी टेस्ट यू. वॉट इज शी सेइंग? अ गोल्ड फिश इज अ फिश. जो एक गोल्ड फिश है ये फिश होती है. इज अ स्टार फिश अ फिश. ठीक क्लास, आपने देखा होगा इस टाइप की स्टार फिश होती है. ठीक है, तो वो उसे पूछ रही है कि गोल्ड फिश तो फिश है लेकिन जो स्टार फिश है ये फिश है. वट अबाउट अ सी हॉर्स? सी हॉर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट. बॉय इज सेइंग यू कैन नॉट ऑलवेज टेल बाय इट्स नेम. यानी आप सिर्फ नाम से नहीं बता सकते. कैसे नहीं बता सकते? जैसे थ्री क्लास, शेलफिश, स्टारफिश एंड जेलीफिश आर नॉट फिश. बेशक इनके एंड पे फिश लगा हुआ है, ये देखिएगा, स्टारफिश, शेलफिश, जेलीफिश, लेकिन ये तीनों फिश नहीं है. ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट अ सी हॉर्स. वो कहते हैं सी हॉर्स के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन उसे ये पता है जो स्टार फिश है दिस वन इज नॉट फिश. हालांकि इसके नाम के साथ स्टार फिश है लेकिन ये फिश नहीं है. कौन कौन सी फिश नहीं है? शेलफिश, स्टारफिश एंड जेलीफिश. ठीक है, उसके बाद थ्री क्लास ये है सी हॉर्स. ये वाली पिक्चर जो है ये सी हॉर्स की है. लेकिन थ्री क्लास आप लोग हैरान होंगे ये जान के कि जो सी हॉर्स है ये फिश है. ठीक है, इज अ सी हॉर्स अ फिश? इसका आंसर लिखिए यस, कि सी हॉर्स जो है वो एक फिश है. डज इट हैव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश? कि क्या उसकी जो चीज़ें हैं वो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो फिश की तरह पे हैं? थ्री क्लास ये थोड़े से डिफरेंट है. वो कैसे हैं थ्री क्लास? इसकी टेल थोड़ी सी लंबी है, इसके अलावा इसके यहाँ पे फिन्स नहीं होते. ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट कह भी सकते हैं कि है भी और नहीं भी, कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं कुछ नहीं हैं. लेकिन जो सी हॉर्स है ये फिश है. ठीक है, नेक्स्ट पेज है हाउ डू फिश रीप्रोड्यूस. रीप्रोड्यूस मीन्स कि आगे इसके बेबीज कैसे होते हैं, ये कैसे इसकी फर्दर इससे आगे और फिश हो सकती हैं. मोस्ट फिश रीप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स विदाउट शेल. बहुत सारी जो फिश हैं वो अंडे देती हैं. ठीक है, और उनके अंडे विदाउट शेल होते हैं. थ्री क्लास आप लोग एग्स खाते हैं तो आपने देखा होगा कि उन एग्स के ऊपर एक वाइट सा कवर होता है. ठीक है, जो नॉर्मली हम अपने घरों में खाते हैं. लेकिन जो फिश एग्स देती है उसके ऊपर शेल्स नहीं होते. ठीक है, दे आर यंग हैच फ्रॉम द एग्स. वो उसी एग्स में से निकल आते हैं. सम फिश, कुछ ऐसी फिश हैं सच एज गुपीज, मोलीज, स्वॉर्टेल्स गिव बर्थ टू देयर यंग लाइफ. वो क्या है थ्री क्लास? ये वाली जो फिश के नाम हैं ये ऐसी हैं जो मैमल्स की तरह बच्चे देती हैं. ठीक है, ज़्यादातर फिश जो है वो अंडे देती हैं लेकिन ये वाली जो तीन फिश हैं ये बच्चे देती हैं. ठीक है, ये आगे इसका स्ट्रक्चर बताया, ये एग्स हैं. ठीक है थ्री क्लास, उस पर ये नीचे लिखा हुआ है डिफरेंट काइंड ऑफ फिश एग. ये फिश के डिफरेंट काइंड ऑफ एग्स हैं. ठीक है, What do fish eat? फिश खाती क्या है? ठीक है थ्री क्लास, आप लोगों ने बहुत सारे कार्टून्स देखे होंगे जिसमें जैसे वेल्स हैं, शार्क्स हैं, ये क्या करती हैं? ये छोटी फिश को खाती हैं. ठीक है, लेकिन कुछ जो छोटी फिश होती हैं वो क्या खाती हैं? ठीक है, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फिश. बहुत तरह के फिश होती हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ फिश ईट डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, जो फिश, बहुत सारी फिश हैं वो डिफरेंट उनकी फूड होती है. सम फिश मे ईट एल्जी. कुछ जो है फिश वो एल्जी खाती हैं. ठीक है, एल्जी क्या होता है थ्री क्लास? वाटर के अंदर वो ग्रीन सा एक आपको नज़र आता होगा उसको हम
एल्जी कहते हैं, ठीक है, वो खाती हैं। और टाइनी लिविंग थिंग्स या जो पानी के अंदर छोटी सी क्रिएचर्स हैं उनको खाती हैं, वो क्या है, प्लैंकटन, ठीक है, उनको खाती हैं। आगे है बिग फिश ईट स्मॉल फिश, बिग फिश जो है वो स्मॉल फिश को खाती है, श्रिम्स क्रैब्स एंड अदर वाटर क्रिएचर, ठीक है, छोटी फिश क्या खाती हैं, वो एल्जी खाती हैं या टाइनी लिविंग थिंग्स को, लेकिन बड़ी फिश जो हैं वो स्मॉल फिश को खाती हैं, श्रिम्स को खाती हैं और क्रैब्स को, ठीक है। थ्री क्लास, ये आगे उसकी आगे आपको पिक्चर शो की गई है, ये वाटर के अंदर होता है, ठीक है, सारा कुछ। तो ये उसकी ज़रा उसको माइक्रोस्कोपिक दिखाया गया है, ज़रा उसको जूम करके दिखाया गया ये चीज़ है, ठीक है। अब हम पेज टर्न करते हैं, पेज नंबर 48। अच्छा, हमने फिश के बॉडी पार्ट्स पढ़े, अब हम फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व अ फ्रॉग मॉइस्ट स्किन, ईयर, आई, नॉस्ट्रिल, फोर लेग्स, हाइंड लेग्स, ठीक है, ये एक फ्रॉग के बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, ये अब उससे फिश से डिफरेंट है, ठीक है। फर्स्ट लिखा हुआ है, डस अ फ्रॉग हैव एनी बॉडी कवरिंग, कि क्या जो फिश सॉरी फ्रॉग है इसके ऊपर बॉडी कवरिंग है, उसी तरह स्केल्स हैं, नो। व्हाट बॉडी पार्ट्स डज अ फ्रॉग हैव, फ्रॉग के कौन से बॉडी पार्ट्स हैं, उनके नाम है फोर लेग्स, नॉस्ट्रिल्स, आई, ईयर, मॉइस्ट स्किन, हाइंड लेग्स, ठीक है। हाउ मैनी लेग्स डज अ फ्रॉग है, फ्रॉग की कितनी टांगे हैं, थ्री क्लास, आपने देखा होगा टू फ्रंट एंड टू एट बैक, ठीक है, फोर लेग्स, एफ ओ यू आर फोर, लेकिन यहाँ पे जो ये वही है आगे वाली टांगों को थ्री क्लास फोर लेग्स कहते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, एफ ओ आर ई, फोर लेग्स, ठीक है। और यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उसकी टांगे कितनी है, उसका आप आंसर लिखेंगे फोर, एफ ओ यू आर, ठीक है। आर द फ्रंट लेग्स मीन्स फोर लेग्स और बैक लेग्स हाइंड लेग्स लॉन्गर, इनमें से कौन सी टांगे लंबी होती हैं, ठीक है। अब आप इसको क्लोजली देखें, ये है इसकी फोर लेग्स और ये है इसकी हाइंड लेग्स, थ्री क्लास, फ्रॉग की जो हाइंड लेग्स होती हैं ये ज़्यादा लंबी होती हैं, ठीक है। आर द फीट ऑफ अ फ्रॉग वेब्ड, कि फ्रॉग जो है उसके फीट जो हैं वेब्ड होते हैं, वेब्ड होते हैं, थ्री क्लास, वेब्ड मीन्स कि वो इस तरह करके ज्वाइन किए होते हैं, ठीक है, इसको हम वेब्ड बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि होते हैं, ठीक है, थ्री क्लास, यस, होते हैं। फ्रॉग्स डू नॉट हैव अ बॉडी कवरिंग, उसी का आंसर आ गया कि उनकी बॉडी कवरिंग नहीं होती, लाइक फिश इंस्टेड दे हैव मॉइस्ट स्किन, यानी इनकी स्किन जो है जो हमने यहाँ पे पढ़ा ये मॉइस्ट होती है, ठीक है, थोड़ी सी आप ऐसे कह लें स्मूथ होती है, थोड़ी सी गीली गीली सी होती है, इस टाइप की। फ्रॉग्स ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, अब फ्रॉग जो है सांस लेता है, वो कैसे लेता है, वाटर के अंदर अपनी मॉइस्ट स्किन से, ठीक है, जो फिश थी वो अपनी गिल्स से लेती है और फ्रॉग अपनी मॉइस्ट स्किन से लेती है, ठीक है। इन एडिशन दे हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग ऑन लैंड, लेकिन थ्री क्लास आपको पता है ना कि फ्रॉग एम्फीबियन है जो वाटर के अंदर भी रहता है और लैंड के ऊपर भी, ठीक है, तो जब वो लैंड पे आता है तो थ्री क्लास ये अपने लंग्स यूज करता है, ये है इसके लंग्स, ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे होते हैं, तो वो इन्हीं लंग्स के थ्रू सांस लेता है, ठीक है, ठीक है। थ्री क्लास जब वाटर के अंदर होता है तो वो अपनी मॉइस्ट स्किन से लेता है सांस, और जब वो लैंड पे आता है तो वो अपने लंग्स को यूज़ करता है, ठीक है। अ फ्रॉग हैज़ अ हेड, बॉडी और फोर लेग्स, एक फ्रॉग के हेड होता है, बॉडी होती है और फोर लेग्स होते हैं, ठीक है। द टू हाइंड लेग्स आर लॉन्गर, उसकी जो हाइंड लेग मीन्स उसकी जो पीछे वाली टांगे होती हैं ये लॉन्गर होती हैं, एंड स्ट्रोंगर और स्ट्रोंगर भी होती हैं देन फोर लेग्स की नस्बत। They help the frog to jump very far. ये help करती हैं frog को कि वो दूर तक jump कर सके। आपने देखा है थ्री क्लास के जो frog है वो hopping करता है, ठीक है, तो क्या किसकी वजह से hop कर पाता है, वो अपनी पीछे वाली hind legs की मदद से।
ठीक है थ्री क्लास, ये एक ट्राइट आउट है, व्हाट टू डू स्क्वेट डाउन एंड यूज योर लेग्स लाइक द हाइंड लेग्स ऑफ अ फ्रॉग। आपने बैठना है, आपकी क्लास थ्री क्लास, आपके स्कूल में अक्सर फ्रॉग रेसेस होती रहती हैं, तो आपको पता है कि आप कैसे फ्रॉग की तरह जंप करते हैं। जब हम फ्रॉग की तरह जंप करते हैं तो जो हमारी पीछे वाली टांगे हैं, ठीक है, यानी ये तो हम अपनी फ्रंट लेग्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं और ये हाइंड लेग्स के तौर पे, तो हम इसको उठाते हैं, उठाने की वजह से हम दूर तक जंप कर पाते हैं। फ्रॉग भी सिमिलरली इसी तरह ही होप करते हैं, ठीक है, जंप करते हैं। ठीक क्लास, आज का लेसन इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा और इसको अच्छी तरह रीड कीजिएगा, ठीक है। ठीक क्लास, अल्लाह हाफिज़।